अब बेटा शुरू करते हैं नया टॉपिक हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होता है लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ साथ। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन The difference of whose distances, the difference of whose distances are equal. मतलब वो सारे points जिसका distance लिखना भूल गया, the differences of whose distances from two fixed points, from two fixed points are equal. अब ठीक है, मतलब वो सारे पॉइंट जिसका डिस्टेंस का डिफरेंस दो फिक्स पॉइंट से क्या हो, इक्वल हो। कैसे? देखो मान लो मैंने दो फिक्स पॉइंट कर लिया से, राइट। अब मेरे को वो सारे पॉइंट्स लेने हैं जिनका डिफरेंसेस क्या करके इक्वल है, माइनस करके इक्वल है। देखो कैसे, लेट्स से इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। अब मैं पॉइंट लेता हूँ, लेट्स से ले लिया मैंने सी डी, तो स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए, स्पेशलिटी क्या होगी मेरी कि ए सी माइनस बी सी, या उल्टा बोल रहा हूं मैं, बी सी माइनस ए सी किसके इक्वल हो जाए, बी डी माइनस ए डी, बी डी माइनस ए डी। बोले यहाँ तक क्लियर, यस और नो? नहीं हुआ दोबारा समझते हैं। दो फिक्स पॉइंट समझ आ गई, वो सारे पॉइंट्स लेते जाओ जिनका हर बार माइनस करने पर सेम आंसर आना चाहिए। यानी मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये 4, तो आंसर कितना आ रहा है 1। तो अब ये मान लो ये 3, ये 2, 1। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि हर बार माइनस करके सेम आंसर आए। और देखो भी कैसे, मान लो कॉल लेते हम ले लिया मैंने क्या PE माइनस AE, यहां तक क्लियर। ऐसे करते करते जब आप पॉइंट्स कलेक्ट करोगे तो ये शेप कुछ इस तरह बनेगी, एंड सेम विद दिस, यहां की तरफ भी ऐसी बनेगी। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा करके दिखाने की जरूरत है या क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब इस पे पहले टर्म्स जान लो, टर्म्स क्या है। डेरिवेशन के ऊपर मैं फोकस नहीं करूंगा अभी, इसका जो इसके अंदर आप देखो मेन एक्सिस कौन सा है फिलहाल जो मैंने बनाया, इस पे मेन एक्सिस कौन सा है, क्या बोलते हैं इसे, एक्स एक्सिस, राइट। फिलहाल इसको एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे यहां पर, हम यहां बोलेंगे से ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो दूसरा वाला बचा हुआ है, दूसरा कौन सा बचा हुआ बेटा, तो इसे बोलते हैं हम कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे इसे? कॉन्जुगेट एक्सिस। यहां तक क्लियर? अब बेटा ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, फोकाय रिप्रेजेंटेड बाय सी, कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके सी जीरो और इसके हो गए माइनस सी जीरो, और ये क्या होगा मेरा व्हाट इज, किसका, ट्रांसवर्स एक्सिस का। क्या होगा इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, किससे, ए से, ये ए, ये माइनस से। बोलो पहले इतना पॉइंट क्लियर, यस और नो? इसी तरह वर्टेक्स किसका होगा मेरे बच्चा, अब एक मिनट ध्यान से देखना, नो नो नो, ए वाला फोकाय नहीं है, सी वाला फोकाय है, मैं लिख दूं इसे फोकाय। अब ठीक है,
ट्रांसवर्स एक्सिस का वर्टेक्स, ए है ट्रांसवर्स एक्सिस का वर्टेक्स और सी है फोकाय, पॉइंट क्लियर। अच्छा ये क्या हो जाएगा आपका बी, यानी एक लाइन जो क्या हो दोनों से टेंजेंट हो। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0, b, और इसी तरह यहाँ वाले के कोऑर्डिनेट्स 0, -b, पॉइंट क्लियर। अब टेबल बनाते हैं जरा, टर्म्स एक होता है हाइपरबोला जो मैंने भी आपको बताया, और एक होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, एक होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। पहली शेप, सबसे पहले शेप की बात करते हैं, हाइपरबोला की शेप आ गई। कॉन्जुगेट में शेप कैसी होगी कौन बता सकता है, कॉमन सेंस से उल्टा हो जाएगा, सिंपल से लैंग्वेज में बोलूं इसको हम बस ऐसे रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पे, यहाँ तक क्लियर। अच्छा इक्वेशन बताइए बेटा, इक्वेशन क्या होगी यहाँ पर, x²a²-y²b² = 1, और दूसरे वाले की इक्वेशन क्या हो जाएगी, नो x² नहीं y² a²-x²b² = 1। यानी अगर आप देखो एलिप्स के अंदर हमारा ए और बी जगह चेंज करता है और हाइपरबोला के अंदर हमारा एक्स और वाई, पॉइंट क्लियर। जोन सा बड़ा होगा वो पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट आता है, सारे के सारे वही पॉइंट है, फिर आएगा आपका क्या बोलते हैं वर्टिसेस ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस के वर्टेक्स के होंगे यानी इस वाले पॉइंट के, इस वाले पॉइंट के वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, a₀ - a₀, यानी क्या बनेगा मेरे बच्चा ±a, 0, राइट। और इस वाले के वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, 0, ±a। नेक्स्ट वर्टिसेस ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, वर्टिसेस ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा बताइए, 0, ±b, यहाँ हो जाएगा ±b, 0, क्लियर। फिफ्थ टर्म यहां लिखवा रहे हैं, फिफ्थ फोकाय के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पहले वाले में बताइए 0, 0, ±c। आप एक खेल आता है, सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो, सी निकालने का फॉर्मूला, गुड, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ इसमें प्लस है, पॉइंट क्लियर। हाँ पिछले वाले में माइनस था, इसमें प्लस है। अच्छा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये तो बहुत बेसिक पॉइंट पूछ लिया, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बता सकते हो, ऑनलाइन क्या बोलेगा, क्या है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, 2a, यहाँ पर भी 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या बोला मेरे बच्चा, 2b, इसेंट्रिसिटी e = c/a, यहाँ तक क्लियर। अच्छा जी फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम,
लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बताएं क्या हो जाएगी, क्यू बी स्क्वायर बाय ए। पॉइंट क्लियर, इसे पहले नोट करो फिर आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन वन डन, इसका हो गया शाबाश, इसका नहीं हो यहाँ चेक करें। क्वेश्चन फाइव अटेम्प्ट करें। वन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई वर्टिसेस। वर्टिसेस किसके होंगे हमेशा, वर्टिसेस कौन से एक्सिस के होंगे बेटा, ट्रांसवर्स के, ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्वेश्चन वन है आपका, एक्स स्क्वायर बाय 16 कौन सी फॉर्म में बेटा, ये कौन सा, हाइपरबोला या कॉन्जुगेट हाइपरबोला, हाइपरबोला यानी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कितना हो गया यानी 16, तो ए हो जाएगा मेरा 4, बी हो जाएगा मेरा 3। अब पहला उसने मांगा फोकाई, फोकाई सी क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 दैट इज डायरेक्ट कर रहा हूँ 5। अब यहाँ फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लस माइनस सी कॉमा 0, प्लस माइनस 5 कॉमा 0, बेटा जिसका हो गया वो आगे अटेम्प्ट करे। पहला आ गया वर्टिसेस ट्रांसवर्स के, प्लस माइनस 4 कॉमा 0। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी यानी ई को बोलते हैं, C by A, C कितना 5, A कितना 4, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2B square by A, 2 into B square यानी 9 by A, 16, तो 9 by 8 units। हाँ, क्वेश्चन फाइव, अब फाइव देखो कैसे करते हैं, फाइव वाई स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर बाई 36 इक्वल्स टू 36, क्या करूंगा दोनों तरफ 36 से डिवाइड, ऊपर कहां पे 2b स्क्वायर बाई ए, ओ थैंक यू बेटा 4, तो ये आ जाएगा 2, ये कह रहे थे ना डिवाइडिंग बाय 36, अच्छा उस पर आ रहा हो। अब देखो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी कि सर 5 तो एज इट इज बचा, अब क्या होगा, कुछ नहीं करना, 36 से डिवाइड तो करो पहले। हाँ जी, फिर क्या हो जाएगा सर, क्या देखो 5y² / 36, अगर आपको याद हो जब मैंने आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ाया वहां पर एक क्वेश्चन था ऐसा, चेंज करना था उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्या करते हैं 5 को नीचे भेज दूंगा, यानी वाई स्क्वायर अपॉन में 36/5, गॉट इट, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये तो कट गया 4, अभी क्या बना वाई स्क्वायर बाय कौन सी फॉर्म, अभी कौन सी वाली वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अच्छा ये तो वैसे पता लगी रहे वाई स्क्वायर पहले है, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर हो गया 36/5, तो ए कितना हो जाएगा 6/√5, बी कितना हो जाएगा सर, बी स्क्वायर है 4, बी हो गया 2, आगे लिख दूँ DIY इस पे, डू इट योरसेल्फ, इसके आगे तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 9, 11, 13, ये वाला करने जिस पर टिक मार रहा हूँ, 9, 11, 13 राइट नाउ। क्वेश्चन 9, हाँ जी क्वेश्चन 9 की बात कर रहे हैं, वर्टेक्स दे रखा है यानी कौन सा एक्सेस हो गया, कॉन्जुगेट, ठीक है यानी कौन सा वाला हो गया बेसिकली हाइपरबोला, कॉन्जुगेट वाला, यहाँ तक क्लियर, ओके तो आपका ये ए आ गया, जी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर बाय फोकाई सी दे रखा है 5, बी मिसिंग है, बी कैसे आएगा,
स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपको अच्छा लगे, बात एक ही है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। ओकाए कॉन्जुगेट एक्सिस इज ऑफ लेंथ 24, कॉन्जुगेट एक्सिस दे रखा है, यानी क्या दे रखा है 2b, ओकाए सी दे रखा है आपका 13, 2b दे रखा है कितना 24, तो b कितना हो गया बेटा 12, a निकाल लो, a कैसे आएगा हरीशोर, ठीक है। बच्चे ने कह दिया a 5 है, तो क्वेश्चन बनेगी मेरी कौन से एक्सिस पर है ये ओकाए, ये है आपका कॉन्जुगेट, यानी इस तरह वाला है आपका, ये फोकस यहां पर है, तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 144 इक्वल्स टू 1, क्लियर। 13 ओकाए लेटेस्ट एक्टम इज ऑफ लेंथ 12, अब 13 की बात करते हैं सर, ओकाए क्या दे रखा है बेटा, ओकाए क्या दे रखा है प्लस माइनस 4.0, यानी सी हो गया 4, लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम है कितनी, लेटेस्ट एक्टम की लेंथ 12, तो 2b स्क्वायर बाय a इज इक्वल्स टू 12, तो b स्क्वायर बाय a कितना हो गया सर 6, b स्क्वायर की वैल्यू सीधा ले लो 6 से, अब c क्या होता है c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 6 से, यहां तक क्लियर, इसे इधर कर दो a स्क्वायर प्लस 6 से माइनस 16, बेटा कौन सी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16, एमटीएस करो आपके फैक्टर हो जाएंगे 8 और 2, यानी a माइनस 8 एक वैल्यू a प्लस 2 उल्टा लिख दिया a प्लस 8 और a माइनस 2, a की वैल्यू क्या आई माइनस 8, a की वैल्यू क्या आई 2, बोलो यहां तक क्लियर। अब वेट, बच्चा बोलेगा सर ए टू को ए माइनस एट को रिजेक्ट करना है, मगर क्यों, मगर क्वेश्चन के लिए तो मेरे को वैसे भी चाहिए होता है ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, पॉजिटिव हो जाएगा, बट वेट जो भी ये कह रहे ठीक कह रहे हैं, पर रिजेक्शन का रीजन गलत कह रहे हैं। अब ठीक है, अगर आप ये वैल्यू, अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे, पुट ए इज इक्वल्स टू माइनस 8 इन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 ए, तो b स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू माइनस 8 विच इज माइनस 48, और इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, अब लिख दूंगा नॉट पॉसिबल, ठीक है। कौन सी वाली वैल्यू a इक्वल्स टू माइनस 8, तो a कितना हो जाएगा 2, b स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 दैट इज 12, इक्वेशन इक्वेशन क्या बनी एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इक्वेशन की यहाँ फॉर्म बनेगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और मेरे बच्चा माइनस नहीं प्लस नहीं माइनस आना था, माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, बोले यहाँ तक क्लियर। अब एक असली क्वेश्चन आता है 14 और 15 अटेम्प्ट करो राइट नाउ, क्वेश्चन 14 वर्टेक्स दे रखा है बेटा, वर्टेक्स कौन से एक्सिस पे दे रखा है एक्स एक्सिस, यानी कौन सा वाला हो गया हाइपरबोला, कौन सा वाला हाइपरबोला हुआ, हाइपर या कॉन्जुगेट हाइपर राइट, यानी अब आपका क्वेश्चन में ए आ चुका है विच इज 7, ई क्या होता है सी बाय ए, ई दे रखा है कितना 4/3, सी आई डोंट नो, ए कितना 7, सी कितना हो गया बेटा 28/3, अब सी से क्या निकल जाएगा मेरा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या निकलेगा इससे बी विच इज 28/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, 7 का स्क्वायर बी का स्क्वायर आई डोंट नो,
इधर कर दो 28 784/9 - 49 = b². राइट, इसके क्या सॉल्व कर लोगे डी आई वाई? ये मैं करके दूं, करके दूं, चलो कर देता हूँ। 9 784 454 41 = b² माइनस करो, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 8 4 4 और साथ में कर 3 343। अब तो हो जाएगा सॉल्व, ये भी कर दूं, हद हो गई आज तो। x² / a² - y² / b² = 1। x² / a² कितना हो जाएगा? x² / 49 - y² / b² क्या है? यानी नीचे वाला रेसिप्रोकल, डायरेक्ट कर दूं 9y² / 343 = 1। क्लियर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट 15 इंपॉर्टेंट, फोकाय दे रखा है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, फोकाय है, दैट मींस यू हैव सी व्हिच इज √10। पासिंग थ्रू द पॉइंट ए किससे पास कर रहे है बेटा? ए 2,3 राइट। अब क्या कर दूंगा सर? अब देखो आपको पता है कि ये इसका फोकाय वाई एक्सिस पर है, यानी कौन सा वाला होगा? ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y² / a² - x² / b² = 1। यहां तक क्लियर? कंफ्यूजन बोलो पहले, क्लियर है सबको? फिर ठीक है, अब ये पास कर रहा है, तो जब कोई पॉइंट किसी कर्व पे आता है वो उसकी इक्वेशन को क्या करते हैं बेटा? सैटिस्फाई, बिकॉज ए लाइज ऑन हाइपरबोला देयरफॉर इट विल सैटिस्फाई द इक्वेशन। राइट, तो पुट कर दो, पुट ए 2,3 इन फर्स्ट, यानी y की जगह 3² / a², x की जगह 2² / b², यानी 9 / a² - 4 / b². सर अब क्या करें? इस जगह में कोई नहीं रहा, कोई बात नहीं, लेट इट बी सेकंड। अब मेरे को पता है c² = होता है a² + b² के। c² कितना है मेरा? है √10 का स्क्वायर a² + b² वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू? b² क्या हो जाएगा सर? 10 - a² क्या कह रहे हो? अच्छा b² a² 5 आ रहा है ना, वो तो अभी हमने सॉल्व नहीं करा ना। मैं कह रहा हूँ b² यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 - a² क्या करूंगा? यहाँ पुट कर देंगे, put 3 in second, क्या हो जाएगा? 9 / a² - 4 / 10 - a² 4 / 10 - a² = 1। एलसीएम लो 9 - 10 - a² - 4a² / a² 10 - a² 90 - 9a² - 4a² इस पूरे को इधर कर दो, ये जगह 10a² - a^4। बोले यहाँ तक क्लियर? अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करा आप लोगों ने, मेरे को ये बताओ। 90 - 30a² = 10a² - a^4 सॉल्व करके इसको पहले यहाँ भेजो, a^4 - 23a² + 90।
बोलो इसके के सॉल्व कैसे करूं, किसी को आता है? एग्जैक्टली अगर आपको याद हो हमने क्लास टेंथ में सीखा था ये क्वाड्रेटिक ही है। कैसे? अगर यहां मैं ए स्क्वायर को लेट करूं, लेट्स से टी, तो क्या बन रहा है? ए की पावर फोर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 23t प्लस 90। ये जान लो कैसे बेटा, अगर ए स्क्वायर मेरा टी है तो स्क्वायर करने पर ए की पावर फोर विच इज टी स्क्वायर। बोलिए बेटा यस और नो। अब इसके फैक्टर्स करो, डायरेक्ट कर रहा हूँ, टी माइनस 18, टी माइनस 5, टी की वैल्यू 18 और टी की वैल्यू 5, ए स्क्वायर हो गया 18, ए स्क्वायर हो गया 5। बोले यहाँ तक क्लियर? बट वेट, आंसर नहीं आया अभी। अब ये ए स्क्वायर 18 की वैल्यू मैं डालूंगा यहाँ थर्ड में, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 इन थर्ड, बी स्क्वायर 10 माइनस 18, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8। नॉट पॉसिबल, तो पुट करो ए स्क्वायर की वैल्यू 5 इन थर्ड, बी स्क्वायर हो जाएगा 10 माइनस 5 विच इज 5। इक्वेशन क्या हो जाएगी सर? इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर, कौन सा था मेरा हाइपर बोला, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट था तो वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यानी मेरी क्या बनी फाइनल इक्वेशन? वाई स्क्वायर बाय 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू 1। चाहो तो एलसीएम लेके 5 इधर भेज सकते हो, चाहे ऐसे भी रहने दे सकते हो। ये था आपका लास्ट होमवर्क, कंप्लीट अप टू एक्सरसाइज 11.4 ओल्ड बुक्स, न्यू बुक्स में 10.4। बस यहाँ तक करना है आपने।